नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और हमने ये बताया था कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार ये पेपर 1 है DLED थर्ड सेमेस्टर का, और इसका कंप्लीट कोर्स आपको हम 3 वीडियो में करके बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाकर उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखेंगे, तभी आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, देर ना लगाए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध व नवाचार का पार्ट 3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए। पार्ट 3 के पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड किया था। पार्ट 2 में हमने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे और पार्ट 3 में हम 61 प्रश्नों से शुरू करेंगे। 61वां जो प्रश्न है, मौलिक शोध क्या है? मौलिक शोध आपको बताना है। मौलिक शोध ऐसे शोध होते हैं, इस शोध में सिद्धांत खोजे जाते हैं या फिर सिद्धांतों का विकास किया जाता है, जैसे कि अधिगम का सिद्धांत और न्यूटन का सिद्धांत। ये दो तरीके के सिद्धांत आपको उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं। मौलिक शोध क्या होते हैं? इन शोध में सिद्धांत खोजे जाते हैं या फिर सिद्धांतों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक शोध क्या है? दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 3 तरह के शोध होते हैं, मौलिक या मूलभूत शोध, दूसरा था व्यवहारिक शोध और तीसरा था क्रियात्मक शोध। तो इसी तरह हम तीनों की परिभाषा भी समझेंगे। व्यवहारिक शोध क्या होता है? मूलभूत शोध का जब अनुप्रयोग व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो वह व्यवहारिक शोध कहलाता है, जैसे अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में करना, तो ये होता है व्यवहारिक शोध। जब किसी भी सिद्धांत की खोज की जाती है और फिर जब उसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से किया जाता है, यानी सामाजिक जीवन में जब उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह व्यवहारिक शोध कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया गया कि अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करना बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, यही व्यवहारिक शोध है। अगला जो प्रश्न है, क्रियात्मक शोध क्या है? स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक शोध की परिभाषा दी गई है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरी का बड़ा नाम है। जब भी क्रियात्मक शोध से संबंधित अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम आता है तो वो स्टीफन एम कोरी उनमें प्रमुख होते हैं। तो स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक शोध की परिभाषा दी गई है, क्रियात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये तो एक किताबी रटी रटाई परिभाषा है जो कि स्टीफन एम कोरी ने दी हुई है। दोस्तों, हम इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर उनमें सुधार करना या उन समस्याओं का हल करना क्रियात्मक शोध होता है। अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर उनको हल करना क्रियात्मक शोध होता है। तो यह साधारण सी परिभाषा है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर जाना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट चला गया तो आप इसको अपने मन से भी बनाकर अपनी परीक्षा की कॉपी में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य लिखिए। क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या क्या हैं? क्रियात्मक शोध का जो पहला उद्देश्य है, किसी विशिष्ट समस्या का निदान व समाधान। मतलब कोई समस्या, कोई विशेष समस्या है, उसको पहचानना और फिर उसका समाधान करना। कार्य कुशलता में सुधार लाना, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सुधार लाना क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। किसी भी परिस्थिति में कार्यों व निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार लाना, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं, उसको और अधिक उत्तम बनाना, उसकी गुणवत्ता को सुधारना क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। विद्यालय की दैनिक समस्या का विधिवत व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता तथा महत्व क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रियात्मक शोध है उसकी क्या आवश्यकता है?
विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन व सुधार के लिए। विद्यालय में आप देख रहे हैं पुराने ढंग से पढ़ाई होती चली आ रही है, उन परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन व सुधार करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। संस्था के स्टाफ जैसे कि शिक्षक हो गए, प्रबंधक हो गए, इस तरह के जितने भी लोग हैं, संस्था के स्टाफ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें स्वयं समस्याओं के समाधान में रुचि लेने के लिए, जो संस्था के स्टाफ हैं वो स्वयं समस्याओं का समाधान करें, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें विकसित करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। अगला, विद्यालय के दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कर उनका समाधान खोजने के लिए। बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्या का अध्ययन व समाधान करने के लिए। कहीं नवीन परिस्थिति में बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। विद्यालय वातावरण में सुधार हेतु एवं छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने हेतु आपके क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। अगला जो पॉइंट है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रति शिक्षकों व छात्रों में रुचि उत्पन्न करने हेतु। एक होती है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप और एक होता है सहगामी, जो आपकी संज्ञानात्मक कह सकते हैं क्रियाकलाप होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं वो आपके संज्ञानात्मक हो गए, और जो पाठ्य सहगामी हैं वो जैसे हो गए आपके खेल कूद, म्यूजिक और भी जितने क्रियाकलाप हैं जो पढ़ाई से अलग हैं, वो सब पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, छात्रों का सार्वभौम नामांकन ठहराव तथा संप्राप्ति हेतु बच्चों का नामांकन ठहराव इत्यादि करने के लिए भी क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। अगला है, क्रियात्मक शोध का क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी समस्या आती हैं। तो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं आती हैं, मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं आती हैं, पाठ्य सहगामी गतिविधियों संबंधी समस्या आती हैं, विद्यालय प्रबंध व प्रशासन संबंधी समस्या आती हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं। क्रियात्मक शोध को कंप्लीट करने के लिए कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे भी आप कुछ भी कोई भी काम करेंगे तो उसके कई चरण होते हैं, चाहे अगर आप प्रोडक्शन का कोई काम करें तो उसमें भी कई चरण होते हैं। इसी तरह किसी भी काम करने के लिए उसको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो क्रियात्मक शोध का जो पहला चरण है वो है समस्या की पहचान करना, आखिर समस्या है क्या, समस्या चुनने का कारण, आखिर वो समस्या क्यों बनी और कहाँ उसकी जरूरत है और वो कहाँ समस्या हो रही है। क्रियात्मक परिकल्पना, समस्या का संभावित उपाय, ठीक है, समस्या का संभावित समाधान ही क्रियात्मक परिकल्पना होती है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जा रही है, कार्यविधि अपनाने के बाद उससे जो डाटा प्राप्त हुआ है, उससे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण करना, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर निकालना कि इस समस्या का समाधान किस तरह किया गया है। अगला प्रश्न है, समस्या की पहचान करते समय किन तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र, समस्या का कार्य क्षेत्र, स्वयं, गुणवत्ता, समय और मूल्यांकन, इनकी पहचान, समस्या की पहचान करते समय इन तथ्यों की जानकारी होना अति आवश्यक है। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है, जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं और सबसे उपयुक्त सुझाव ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है। क्रियात्मक शोध कैसी प्रक्रिया है, क्रियात्मक शोध एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है, क्योंकि जब समस्या का समाधान किया जाता है उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है, फिर उसके बाद कभी फिर समस्या आती है तो फिर उसका समाधान किया जाता है। तो क्रियात्मक शोध क्या है, एक सतत अनवरत प्रक्रिया, ये कभी रुकती नहीं, ये हमेशा चलती रहती है, क्योंकि समस्या कभी खत्म नहीं होगी और उनका समाधान हमें करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्रियात्मक शोध एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है। भावी कार्य योजना का निर्माण कब होता है, क्रियात्मक शोध के सभी चरण पूरे होने के बाद प्राप्त निष्कर्षों से भावी कार्य योजना का निर्माण होता है। क्रियात्मक शोध के दो चरण आप जरूर याद करिएगा, दो चरण, एक जो पहला चरण है और जो लास्ट का चरण है। क्रियात्मक शोध का पहला चरण है समस्या की पहचान और लास्ट है निष्कर्ष, ये दो तो आपको जरूर याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रहण हेतु किन उपकरणों का निर्माण व प्रयोग किया जाता है।
तो ये उपकरण आपको याद होने चाहिए, अवलोकन, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाजमिति, संचयी, अभिलेख। अगला है क्रियात्मक शोध की विधि लिखो, न्यायदर्श शोध के उपकरण, उसके बाद आता है प्रदत्त संग्रह, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण और फिर निष्कर्ष। तो ये है क्रियात्मक शोध की विधि, ये आप जरूर याद कर लीजिए। शिक्षा में नवाचार का अर्थ क्या है? नवाचार का अर्थ नव निर्माण व पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों, वस्तुओं व परंपराओं में नवीनता का समावेश करना। नवाचार का तो ये एक मतलब ये है कि नया निर्माण करना किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी शिक्षा आपको देनी है किसी को, तो उसमें कुछ नया आप निर्माण कर दें, या फिर जो पहले से विधियां हैं, पहले से जो कार्यक्रम वस्तुएं हैं, उनमें नवीनता लाना, यही शिक्षा में नवाचार है। अगला है तृतीय यूनेस्को सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 1971 में तृतीय यूनेस्को सम्मेलन हुआ, क्योंकि नवाचार के बारे में उसमें काफ़ी कुछ कहा गया है, इसीलिए नवाचार से ज़्यादा संबंधित है तृतीय यूनेस्को सम्मेलन। अगला है शैक्षिक नवाचारों की आवश्यकता व महत्व को लिखो, शिक्षा में गुणात्मक सुधार व मात्रात्मक प्रसार करने के लिए शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता है, बढ़ती जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए, शिक्षा क्षेत्र में नवीन विषय सामग्री सम्मिलित करने के लिए, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, सामाजिक विकास की जीवंतता प्रदान करने तथा विकास की गति बनाए रखने हेतु, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने में दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि ऐसे लक्ष्यों को पाने हेतु नवाचार अति महत्वपूर्ण है। नवाचार का सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते थे पहले क्या होता था कि क्लास चल रही है, शिक्षक पढ़ा रहा है, वही ब्लैक बोर्ड, वही चौक, उसी का प्रयोग कई जमाने से होता आ रहा है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आपको स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ई डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षा में नवाचार है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, पढ़ाने के नए नए तरीके आ गए हैं, यही सब आपका शिक्षा में नवाचार है। नवाचार के विषय में ई एम रोजर्स क्या कहते हैं? ई एम रोजर्स की परिभाषा है नवाचार के विषय में, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ये ई एम रोजर्स की परिभाषा है। अगर पूछ दे कि नवाचार की परिभाषा ई एम रोजर्स के विषय में क्या है, तो ई एम रोजर्स नवाचार के विषय में क्या कहते हैं, ये आपको परिभाषा दे रखी है। अगला है लैब एरिया क्या है? लैब एरिया एक ऐसा परिक्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत स्थित 10 से 12 विद्यालयों की शिक्षण अधिगम से संबंधित गुणात्मक उन्नयन के संदर्भ में अनुश्रवण तथा पृष्ठ पोषण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। लैब एरिया की जिम्मेदारी डाइट प्रवक्ता या अन्य अधिकारी को दी जाती है, इसे मेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि लैब एरिया की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है, या तो डाइट प्रवक्ता को दी जाएगी या फिर किसी अन्य अधिकारी को दी जाती है, और इसे क्या कहते हैं, मेंटर कहते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा सामुदायिक सहभागिता हेतु किन समूहों का गठन किया गया है? तीन स्तरों पर इसका गठन किया गया। पहला है ग्राम संसाधन समूह, जिसे VRG कहते हैं, विलेज रिसोर्स ग्रुप, ब्लॉक संसाधन समूह, ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप, जिला संसाधन समूह, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या है? खेल पद्धति, गतिविधि, करके सीखना, भ्रमण व प्रयोग पद्धति का नवाचारी प्रयोग पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था ना कि जो परंपरागत जो पद्धति है पढ़ने की, उसके अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए, जैसे खेल पद्धति, गतिविधि, करके सीखना, भ्रमण का, इस तरह की जो पद्धतियां हैं वो सब नवाचार पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से आपका ये शैक्षिक मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक शोध, ये खत्म होता है। ये आपका पेपर वन था। ये 80 प्रश्नों में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 प्रश्नों को मैंने आपको हल कराया। और दोस्तों ये 80 प्रश्न नहीं है, ये इनके तीन गुना है, 240 प्रश्न हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको इनसे संबंधित फैक्ट्स भी बताए हैं। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है उसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों अब इस पार्ट थ्री के बाद हम आपके लिए शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार के मॉडल पेपर लाएंगे। वहां पर मॉडल पेपर के माध्यम से
ये जो क्वेश्चन है इनको भी सम्मिलित किया जाएगा और कुछ नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा, उसके उत्तर आपको जरूर आने चाहिए। तो मॉडल पेपर बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं, पेपर वन का। वैसे तो कई पेपर के मॉडल पेपर अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। अगर आपने वो सब नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं। मैथ पर हम लोग ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि मैथ के हम 11 मॉडल पेपर अब तक ला चुके हैं। आप उन मॉडल पेपर को जरूर हल कीजिए और कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा टारगेट 25 में 25 नंबर लाना, पेपर वन पेपर टू और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में 50 नंबर लाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।